नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रहे हैं आप सभी की तैयारी? यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक और पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी की कहानी के बारे में बात करें तो शायद ऐसा कोई शब्द नहीं होता भला बुरा जो उसके बारे में कहने का दिल नहीं करता। फिर भी जब सामने पाठ्यक्रम आया है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारे कुछ कहने को हैं, लेकिन पाठ्यक्रम सामने है तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और अब हमें अपने एक नए लक्ष्य की तरफ देखना पड़ेगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब कुछ मैं बहुत बेहतर तरीके से सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। कल 9 सितंबर को एक आया था आपका और दूसरा जो मानचित्रक वाला था और दूसरा आज 10 सितंबर को आया है और ये आपका कहाँ से है? राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2। अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 134 है। आप ये समझिएगा 134 वैकेंसी के सापेक्ष में अप्रॉक्स में 55,000 फॉर्म पड़े हैं। मतलब आपको जब 134 वैकेंसी निकालनी थी तो अभी तक आपने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया है। आज के डेट पे कब की वैकेंसी निकली हुई है ये वैकेंसी इन्होंने खुद ये बोला है कि अगर आप देखोगे तो उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों की लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है 6/9/2024 को। और अगर यहाँ पे देखें ये आया कब है, ये 24/4/2024 और 24/5/2024 ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मतलब अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त और उसके बाद सितंबर, 5 महीने बाद बच्चे को ये पता लगता है कि अब उसे पढ़ना क्या है, तो वो 5 महीना क्या झक मार रहा था। अब आप समझिएगा कि बच्चा करे तो क्या करे। 134 पद के सापेक्ष 55,000 फॉर्म है। अगर ये इसके सापेक्ष में सॉर्टिंग करेंगे, इसका शॉर्ट लिस्टिंग लेके आएंगे तो वैसे तो 15 गुना बोलते हैं बट नॉर्मलाइजेशन के 2 अंक तक जाते हैं तो 30 गुना ले लिया जाए, तो अगर 30 गुना भी लेंगे तो भाई कितना जाएगा, 13 या 39, लगभग 4,000 बच्चा मैक्सिमम क्या होगा इसमें सेलेक्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो 55,000 में 51,000 से ज़्यादा बच्चा, फिर पहले 6 महीने उसे पता नहीं चला कि भाई क्या है आपका सिलेबस क्या है, और उसके बाद अभी भी उसे कुछ महीने नहीं पता चलेगा कि उसे पेपर देना है या नहीं देना है या किसी और पेपर की तैयारी करना है। तो ये सब केवल पीटी का खेल है। पीटी को इतना बुरा बना के रख दिए हैं, पीटी इतना बेकार व्यवस्था कर दी है कि शायद इसके बारे में कुछ भी, मतलब जो मन में बुरा शब्द आए आप लोग आजाद हो और आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसमें जो मन चाहे वो आप बोल सकते हो। आते हैं हम लोग यहां पे इन्होंने क्या किया है सिलेबस, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपका जो भी यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस आएगा ये 65 और 35 के रेशियो पे ही आता है, जिसमें 35 में आपका 2 विषय कंप्यूटर और यूपी आप मान के चलो, ये आपको सारे में कॉमन। आपका कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का ऐसा आपने मेंस के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़े, तो आप कंप्यूटर और यूपी जरूर पढ़ो क्योंकि 35 नंबर आपका यही कवर करेगा। इन्होंने 65 नंबर में, अच्छी बात यह है कि इन्होंने 5 के 4 भागों में बांटा है और 4 भागों में एक भाग इन्होंने सामान्य जानकारी यानी कि रीजनिंग का दिया है, एक आपका ये जीएस का दिया है सामान्य जानकारी, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग का दिया है 15 क्वेश्चन 15 नंबर, हिंदी 15 क्वेश्चन 15 नंबर और लेखन योग्यता भी यहाँ पे है, मतलब पत्र वगैरह भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू बेस पे। और आपका भाग एक जो है ये थोड़ा आपका क्या है, ये आपका ट्रेड से संबंधित है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश, कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। निगेटिव इसके 1/4 होते हैं सभी में, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर 120 मिनट का आपका होगा। आप लोग भाग एक का यहां पे एक बार सिलेबस देख लो कि इसमें कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था 20 अंक का है, ये सांख्यिकी पूछेगा, वाणिज्य और उत्तर प्रदेश, कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान पूछेगा, भारत में राष्ट्रीय आय क्या है, बचत क्या है, निवेश क्या है, अवधारणा, मुद्रा, पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली हो गया, मुद्रास्फीति की अवधारणा हो गया, बजट हो गया, भारत में आर्थिक योजना हो गया, रणनीतियां हो गई, नीति आयोग हो गया, बुनियादी ढांचे हो गए, इन सबसे संबंधित। उसके बाद सांख्यिकी जनसंख्या वृद्धि हो गया, श्रम धन बैंकिंग राष्ट्रीय आय कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में रुझान, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, इसमें मैथ्स नहीं पूछेगा आपसे, सांख्यिकी में मतलब जो आपके डेटा होते हैं जो रिपोर्ट्स आती हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो योजनाएं हो गई, योजनाओं से संबंधित जो आंकड़े हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप और उनकी विशिष्ट विशेषताएं हो गई, उसके बाद व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व,
बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग कार्य, ऋण नियंत्रण, पूंजी पर्याप्तता मानदंड, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हो गया, मानव संसाधन लेखांकन हो गया, सामाजिक लेखांकन हो गया, और मूल्य वर्धित लेखांकन के मूल तत्व हो गए, विदेशी व्यापार हो गया, आयात और निर्यात व्यापार हो गया, आयात और निर्यात व्यापार की प्रक्रियाएं हो गई। इन सबसे चीजें आपसे पूछा जाएगा। भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कृषि के प्रकार, कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां, कृषि जोत, भारत की प्रमुख फसलें एवं मुख्य उत्पादन, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और काफी लंबा चौड़ा इन्होंने मंडी परिषद और इन सबका सिलेबस बनाया है। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के तहत बनाए गए नियमों को, विनियमों, नीतियां तथा नवीनतम तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में अपनाए जा रहे संशोधनों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इन्होंने इधर क्या दिया है, जैसे एपीडीए हो गया, मार्कफेड हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड से संबंधित जानकारी हो गई, नाबार्ड हो गया, नेफेड हो गया, कृषि विपणन तथा मंडी परिषद से संबंधित जानकारी पूछेगा। हिंदी में जैसा हर जगह होता है, हिंदी में सब कुछ पूछा जाएगा, जैसे बाकी इसमें है। रीजनिंग में भी कुछ छोड़ेगा नहीं, सब कुछ पूछा जाएगा, और सामान्य जानकारी में भी ये सब कुछ पूछेगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी कंप्यूटर का एक बार आप लोग सिलेबस यहां पे देख लो। कंप्यूटर के सिलेबस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस हो गया, आईटी गैजेट हो गया, ईमेल आईडी हो गया, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ई गवर्नेंस, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इनसे प्रश्न पूछेगा। भविष्य में कौशल और साइबर सुरक्षा पूछेगा, साथ में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह होता है। भाग 6 में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी सारी चीजें पूछा जाएगा। तो भाई ये आपका क्या है, ये आपका जो सचिव ग्रेड 3 आप बोल सकते हो, इसके आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है, और इस सिलेबस के आधार पे आपका 65-35 के रेशियो में, हालांकि कुछ कॉमन पार्ट है, अगर कल वाला आप देखोगे तो कल वाले में तो इन्होंने पूरा क्या दिया है, पूरा आपका ट्रेड से ही पूछा है। तो 134 पद के सापेक्ष आते हैं कि पीटी का कट ऑफ किया जाएगा, तो क्योंकि 4000 बच्चा ही ऊपर लिया जाएगा और ऊपर का टॉप 4000 बच्चा होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाने के चांसेस हैं। अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाएगा, बट इतना मान के चलो कि 90% के ऊपर वाले बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे। फिर भी आप लोग जो 80-82-75% वाले हो, आप थोड़ा बहुत कुछ नहीं तो कंप्यूटर और कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, यूपी हो गया, इसको जरूर पढ़ते हुए चलना, क्योंकि यहां नहीं काम आएगा तो कहीं और काम आ जाएगा। और मैं इससे बोल रहा हूं, अभी आपने देखा होगा कि जो ये जूनियर असिस्टेंट का आया था, इसका कट ऑफ काफी नीचे चला गया था, तो इस आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोग यहां पर अपनी तैयारी बनाए रखना। अगर आप एक बार देख लो कि कितने फॉर्म किसके सापेक्ष में पड़े हैं, तो वो मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देता हूं कि कितना फॉर्म किसके सापेक्ष में पड़े हैं। हाँ, ये मेरे पास पीडीएफ है, और मैंने आपका ये जो अभी हाल में न्यूज आई थी उसके आधार पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस वैकेंसी के लिए कितने आपके आवेदक की संख्या है, और उस हिसाब से आप एक कट ऑफ, ये लोअर पीसेस वाली जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में मैंने आपको सही तरीके से सब कुछ दिखाया था कि कितने आपके आए हैं और कौन से पीटी 2023 से आने वाले हैं। तो आने वालों में तो अभी एक आपका लेखपाल का दोबारा आने वाला है, ये भूमि अध्यक्ष राजस्व परिषद भूमि अर्जन अमीन का, यहाँ पे आपका ये एएनएम का आने वाला है, बाकी होम्योपैथिक का तो आ चुका, ये भंडार लिपिक और बीसीजी टेक्नीशियन का भी आ चुका, बाकी सब आ चुके हैं। ये आपके एक ये आने वाला है, बाकी है एक आपका ये एएनएम बाकी है, तो ये दो तीन बड़ी बड़ी वैकेंसियां अभी आने वाली हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने पीटी 2023 में जो भर्तियां निकली हैं उसमें कितने आवेदक हैं। तो सचिव श्रेणी जो 3 है, ग्रेड 2 के जो हैं, इसमें आपके 55,557 कुल आवेदकों की संख्या है 134 पोस्ट के सापेक्ष। ऐसे एक वैकेंसी जो पीटी 2022 से आई थी, नक्सानगीस और मानचित्रक, सोचिए कब की वैकेंसी है पीटी 2022 की, और अब जाके उसका क्या निकाले सिलेबस, 283 पोस्ट था जिसके सापेक्ष में 17,794 बच्चों ने आवेदन किया था। अब इसका कट इसमें तो काफी नीचे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये आपका क्या है, इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, बाकी आप इसके नोट्स के बारे में जो स्पेशल क्लासेस जैसे कंप्यूटर हो गया, यूपी हो गया, मैं परीक्षा प्लस ऐप पे और परीक्षा प्लस आपका यूट्यूब चैनल पे भी सारी क्लासेस स्पेशल रूप से करवा दूंगा, ताकि बच्चे देखते रहें। अभी कल परसों में या फिर संडे तक हम लोग मैराथन भी इसकी ले लेंगे एक, ताकि हम लोग पूरा समझ में आ जाए कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जो आपके स्पेशल टॉपिक है, इसके आपके जो ई बुक है, नोट्स हैं, वो मैं आपको परीक्षा प्लस ऐप पे ई बुक सेक्शन में अपडेट करवा दूंगा। आपको 30-40 रुपए में, 50 रुपए में, जो भी हो सकता है, आप उसमें डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए कोर्स इसके लिए निकाला जाए, या फिर आप इसके लिए स्टडी मटेरियल केवल चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का, आभार।